नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किसानों के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंश काल के रूप में जाना जाएगा। आज भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है, जैसे किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया। दिल्ली के चौतरफा, खास तौर पर हरियाणा, क्योंकि वो दो तिहाई हिस्सा है दिल्ली के दोनों तरफ, खास तौर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर मंजर क्या है, मैं ये आज आपसे साझा करना चाहूंगा। पहला, सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टीकरी दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स लगा उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल यूपी और राजस्थान बॉर्डर का भी है। दूसरा, जहां दिल्ली की चौतरफा किलेबंदी की गई है, वहां सड़कों पर कीलें बंदी कर दी गई है, यानी कीलें और नश्तर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं। यही नहीं, कंटीले तारों की दीवारें बना दी गई हैं। तीसरा, पड़ोस में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच रतिया और बुढ़लाडा रोड के बीच 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई बना दी है, जैसे दो दुश्मन देशों के बीच में बनाते। हांसी हरियाणा में जो है उसके निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैयड़ टोल है, सरकार ने वहां जेसीबी मशीनें लगा 50-50 फुट गहरे गड्ढे बना दिए, सीमेंट बैरियर पर सीमेंट भरकर एक कंक्रीट की दीवार राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी कर दी गई है। कैथल हरियाणा में खाई खोदकर कंटेनर्स, डंप्ड व्हीकल्स, सीमेंट बैरिकेड्स वो लगाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। चौथा पहलू, पंजाब और हरियाणा के बीच घग्गर नदी है और घग्गर नदी का पुल है, आप सब जानते हैं। उस पुल पर, पूरे पुल पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ साथ कील और नश्तर गाड़ दिए गए पुल को खोदकर, कंटीली तार बंदी कर दी गई है, बड़े बड़े पिलर्स और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो या दो दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। पांचवा, पूरे हरियाणा पंजाब, पड़ोस में दिल्ली से सटे राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश के पड़ोस में दिल्ली से सटे जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, शट डाउन कर दी गई हैं, वो भी तब जब बोर्ड एग्जाम सर पर है और बच्चों को हर रोज आवश्यकता है। दिल्ली के चारों तरफ के जिलों में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं डाला जाएगा, कोई पेट्रोल पंप डाल ही नहीं रहा, अब उन्होंने डीजल डालना ही बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्नाटक और दूसरे राज्यों से आ रहे किसानों को जबरन ट्रेन रुकवाकर उतारकर गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन,
1920-21 के अवध के किसान आंदोलन की दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे क्रूर और अहंकारी सत्ताधारियों से हमारा केवल इतना सवाल है। पहला सवाल, क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? मैं फिर दोहराता हूं, क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है न्यू इंडिया में? दूसरा सवाल, क्या सरकार यह मानती और सोचती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर आक्रमण करने आ रहा है या फिर जबरन सत्ता पर कब्जा करना चाहता है? यदि हां तो सरकार सामने आकर सबूत दे देश को कि यह दिल्ली की सत्ता की तख्ता पलट की साजिश है, और यदि नहीं तो फिर देश की राजधानी दिल्ली को पैरामिलिट्री और पुलिस की छावनी में बदलने की आवश्यकता क्या है? दिल्ली में करोड़ों लोग रोज आते हैं, किसान भी आ जाएंगे, अपना न्याय मांगेंगे। तीसरा, देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाए? जब मुझे न्याय मांगना हो, मैं मेरे प्रधानमंत्री और मेरी सरकार से न्याय ना मांगू तो कहां जाऊं? तो क्या अब न्याय मांगने का कोई रास्ता और तरीका नहीं बचा, सब दरवाजे बंद हैं? यदि हां तो सरकार यह तो बता दे कि किसान कौन सा दरवाजा खटखटाए, हम वो खटखटा लेंगे। चौथा सवाल, जब किसान आंदोलन पूरी तरह से शांति प्रिय है और जब सालों तक चला पिछला किसान आंदोलन भी शांति प्रिय रहा और टेलीविजन और अखबार इस बात के गवाह हैं और देश, तो फिर किसान की राह में कीले और नश्कर क्यों, कंटीले तार क्यों, सीमेंट के बोल्डर क्यों, कंटेनरों की दीवार क्यों, सड़कों में खुदी खाइयां क्यों, किसान के बेटों पुलिस और पैरामिलिट्री के सिपाहियों की संगीने और बंदूकों की के मुंह किसान की छातियों की ओर क्यों? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या भारत के हुक्मरान को देश की मिट्टी का दर्द, किसान की वेदना और कराहते हुए हिंदुस्तान की आवाज अब सुनाई नहीं देती? सरकार ये भी समझ ले कि ये तो किसानों की लड़ाई का आगाज है, अभी तो बस पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने दरवाजा खटखटाने आए हैं, जब पूरे देश के किसान की कुमुक दिल्ली आएगी तो फिर अंजाम क्या होगा? किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसक होना सिखाती ही नहीं। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं एक कहूंगा और एक किसान के तौर पर भी कि हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं। राहुल जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, खड़गे जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सीधी है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनसे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। एक लाइन की मांग है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए, वरना सत्ताधारी सरकार यह भी जान ले यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, ने उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं।
जय जवान जय किसान। सरकार ये भी समझ ले कि ये तो किसानों की लड़ाई का आगाज है, अभी तो बस पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने दरवाजा खटखटाने आए हैं, जब पूरे देश के किसान की कुमुक दिल्ली आएगी तो फिर अंजाम क्या होगा। किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसक होना सिखाती ही नहीं। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं कहूंगा, और एक किसान के तौर पर भी, कि हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं। राहुल जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, खड़गे जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सीधी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनसे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। एक लाइन की मांग है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। वरना सत्ताधारी सरकार यह भी जान ले, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, ने उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। जय जवान जय किसान।